हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज बन रहा है मेरे किचन में चाउमीन बच्चों की फरमाइश में। और इसके लिए मैंने क्या किया है कि एक एनप्योर के पैकेट से मैंने ये थोड़ी सी चाउमीन ले करके उबलते हुए पानी में डाल दी है। इसको मैं 5 से 7 मिनट के लिए सॉफ्ट होने दूँगी चाउमीन को। और जैसे ही चाउमीन सॉफ्ट हो जाएगी, इसको बीच में हम बार बार चेक भी करते रहेंगे। मिक्स इसको अच्छे से कर लें, घुमा लें इसको थोड़ा सा करछी से या चम्मच से। और अगर आप चाहें तो इसमें आप 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं अभी। और फिर इसको चेक भी करते हैं बीच में कि चाउमीन पकी है या नहीं पकी है। चाउमीन पकने के बाद जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगी तो इसके बाद हम इसको बिल्कुल ठंडे पानी में धो देंगे पूरी चाउमीन को इसका, ताकि पूरा स्टार्च जो रहता है निकल जाए और ये चिपके ना। इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी रिफाइंड ऑयल और इसको पूरे चाउमीन में लपेट लूंगी। उसके बाद मैंने तेल गरम किया है कढ़ाई में। हाई फ्लेम में हम चाउमीन को बनाएंगे। आप देखते होंगे ना, जो चाइनीज़ जो होते हैं वो बनाते हैं चाउमीन तो बिल्कुल हाई फ्लेम में, लोहे की वाली पतली वाली कढ़ाई में बनाते हैं हमेशा। इसके लिए हम हाई फ्लेम रखेंगे। इसे मैंने चॉप किया है लहसुन बारीक बारीक, इसको डाल देंगे। थोड़ी सी एक मिर्ची मैंने हरी काटी थी वो भी डाल दी है। और थोड़ा सा डाला है अदरक पतली पतली, मैंने जुलियन में काटी है। प्याज वो भी मैं डाल दूँगी। इसके बाद मैं बस इसको 10 सेकंड के लिए पकाएंगे, ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। इसके बाद हम डाल देंगे कैप्सिकम, शिमला मिर्च डाल देंगे। इसके बाद हम इसको, मैंने पतली पतली काटी हुई थी ये भी डाल देंगे। और फिर लास्ट में डालेंगे हम पत्ता गोभी। ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना है, सब्ज़ियाँ कच्ची ही होनी चाहिए। अगर ज़्यादा पक जाएंगे तो टेस्ट नहीं आता है चाउमीन में इसका। और अब हम इसमें ऊपर से जो चाउमीन मैंने रखी हुई है उसको हम इसके ऊपर से डाल देंगे। और फिर इन सब्जियों के साथ हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चाउमीन को। ये देखिए, मैंने सारी चाउमीन इसमें ऐड कर ली है। अब हम इसको करछी से, चम्मच से, जिस तरह से आपको कंफर्टेबल हो आप इसको मिक्स कर लें ताकि सारी सब्जियां चाउमीन में लग जाएं। और बस इसको हम हाई फ्लेम में ही पकाएंगे। थोड़ा सा डालेंगे नमक अपने स्वाद अनुसार, हल्का सा मैंने डाला है मिर्ची, थोड़ा सा डाला है मैंने ब्लैक पेपर इसमें, और थोड़ा सा मेरे पास अजीनोमोटो था मैंने वो भी डाल दिया है। नहीं खाना चाहिए लेकिन मैंने डाल दिया थोड़ा सा, इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है। और सॉस मैंने डाइल्यूट करके रखी हुई है, जिसमें मैंने लिया है विनेगर और सोया सॉस और थोड़ा सा टमाटो केचप, ग्रीन चिली हो भी आप डाल सकते हैं, रेड चिली सॉस हो वो भी डाल सकते हैं अपने स्वाद के अकॉर्डिंग। क्योंकि बच्चों के लिए बन रहा तो मैं चिली वाला नहीं डालूंगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें, ज़्यादा देर नहीं पकाना है, फटाफट से बस अब इसको हम लगा लेते हैं प्लेट में। ये देखिए बनके रेडी हो चुकी है चाउमीन बच्चों के लिए। देखिए फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।